बट एलिमेंटर्स का स्क्वाड यहाँ से फॉल बैक करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अगले जोन तक भी फाइट चलती रही तो चांस नहीं है यहाँ पे कि अगला जोन भी बने। बट ग्रेनेड्स की यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे सिनर्जी के द्वारा, बट फिलहाल ऑस्टिन वॉर्टेक्स वहाँ पे एक नॉक निकाल सकते थे, हालांकि अगर वो रैंडम शॉट रहता और एक वॉट और वहाँ पे एक और इनिशियल नॉक ले पाते तो शायद से पूरा स्लैमिंग कर सकते थे। बट वहाँ पे देयर यू कैन सी ऑस्टिन वॉर्टेक्स कमिंग अप विद अनदर नॉक G36C के साथ। अब एलिमेंटर स्क्वाड ऑन टॉप को यहाँ पे क्या गिव अप करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। एक कार्डी तो वहाँ से निकल के जाते हुए नजर आई थी, यहाँ पे पूपो मैन को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया है, एंड शगार भी फिनिश हो चुके हैं, ऑन टॉप यहाँ पे नॉक्ड है मिस्टर ह्योजो। यहाँ कल के पनिश भी हुए क्योंकि जैन मारा भी मौजूद थी उस क्लस्टर के अंदर, और यही वो चीज है जिसके बारे में केतन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। कहीं भी आगे जाने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है, और ध्यान की बात करें तो यहाँ पे सेल्स के जो प्लेयर्स हैं सोल के ऊपर चार्जिंग करके अमन ऑलरेडी नॉकडाउन, मॉडल लास्ट मैन स्टैंडिंग बहुत ज्यादा लो जा चुके हैं, एंड इसी के साथ मॉडल को भी गेम से बाहर निकाला जाएगा, एंड एन अर्ली एग्जिट फॉर टीम सोल। बिल्कुल, और यहाँ पे 14 प्लेस पे एक 1v1 में कन्वर्ट कर दिया। बट इन द मीनवाइल ये स्टैंड सेलम काफी देर से देख रहे थे, सिनर्जी वर्सेस पावर हाउस, डार्क यहाँ पे चार्जिंग करने की कोशिश करें, एक अच्छी फ्लैंकिंग पोजीशन और मोलोटोव डाल के हेल्थ ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे सामने वाली टीम के प्लेयर की, एंड सर भी चार्जिंग करेंगे फाइट लेने की कोशिश, बट ही इज गोना बी पनिश्ड क्योंकि काफी देर से अकेले थे वहां पे। पीछे वहां पे ट्रेड आता हुआ ज़ेब्रा गॉट नॉक डाउन, ट्रेड यहाँ पे धीरे धीरे करके क्लोज इन कर रहे हैं, उनकी 50% एचपी हो चुकी है, टीम हैव गॉट एलिमिनेटेड ऑन 12th पोजीशन। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्ट्राइडर भी क्लोज इन करने की कोशिश करेंगे, एक ग्रेनेड यहाँ पे पूरा खेल तमाम कर सकता है इस वाली जगह पे, एंड वही यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्राइडर भी, बिकॉज सीरवी को भी वहां पे यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश करनी पड़ेगी। बट वहां पे बहुत प्यारा ग्रेनेड आता हुआ टेड का, दो प्लेयर वहां पे नॉक डाउन होते हुए, और एक प्लेयर वहां पे पावर हाउस का डार्क एस्केप कर चुका है, बिकॉज सर्वाइवल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट राइट नाउ। वहां पे क्या सीरवी को रिवाइव देखने को मिलेगा, ज़ेब्रा एंड ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हिज टीम। इन द मीनवाइल लास्ट मैन स्टैंडिंग्स की बात करें तो सिनर्जी के जो टेड है वो ब्लू जोन से लड़ते हुए आ रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल सकता है उस टीम को। और अभी की बात करें तो एनकोर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है मेगा की साइड से, स्क्वैक जो है उनको नॉकडाउन कर दिया गया, और सेल्स लो ग्राउंड से फाइट लेने की कोशिश करती हुई, सेल्स को हमने देखा था सोल को एलिमिनेट करके एक बहुत अच्छा मोमेंटम इन्होंने अपने लिए बिल्ड किया था, और अब मेगा इनका अगला टारगेट हो सकता है। वहां पर मोलोटोव पड़ता हुआ वैक्सी को, ही इज गोना बी नॉक डाउन, और मेगा की जो दिक्कतें हैं वो अब अलग लेवल हिट कर चुकी है, एनकोर भी एक ऑपरेशन मारने की कोशिश करते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा हुआ, आतंकी को अब मोलोटोव से आग लगा दी जाएगी, बट ही इज स्टिल गोना सर्वाइव। और इसी के साथ एक और एलिमिनेशन इस गेम में, डाउन टू द टॉप 8 एज सेल्स टेक डाउन मेगा स्टार्स। बट आपने देखा सेल्स 4v4 जो फाइट ले रही है, स्लैमिंग कर रही है, तो दे वर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि हम लोग निकाल के देखें, बट वहां पे एग्जिस्टेंस ने नॉक आउट करा जान मारा के सोनम को, एंड जान मारा के गनर भी यहां पे फिनिश होते हुए क्रॉन्टन के स्प्रे के द्वारा, बट गॉडल एग्जिस्टेंस इज कमिंग बैक ऑन दैट किल फीड, एंड गॉडल यहां पे दो किल्स कंफर्म कर चुका है। टीएसएम जॉनसन यहां पे आते हुए एमजीजेड के शैडो को उन्होंने नॉक डाउन करा, क्या किल कंफर्म कर पाएंगे, वो स्नाइपर टावर ऊपर बैठे हुए एक बहुत प्यारा वहां से विजन उनको देखने को मिलेगा नीचे, और भी जो टीम जोन के बाहर से आएंगे। बट वहां पे एग्जिस्टेंस ने जान मारे के एक्सट्रीम को भी नॉक डाउन कर दिया है, यहां पे एमजे बहुत ज्यादा ओपन में, एंड जॉनाथन का वापस स्प्रे आता हुआ, M416 के द्वारा प्रोन थे वो, एंड वही यहां पे एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा सेल्स के प्लेयर को। बट फिलहाल टीएसएम एंटिटी जॉनाथन अब यहां पे आपको ये प्लेयर दिखेगा, बहुत सारे प्लेयर्स को नॉक करता हुआ, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा एक स्प्रे मिस डाउन करते हुए हालांकि, बट सामने से ट्रेड भी देखने को मिला, सो जॉनाथन वापस से प्रोन डाउन हुए, एंड उसके साथ पावर हाउस के जो डार्क बचे थे आखिरी वो भी एलिमिनेट होते हुए, यहाँ पे सिनर्जी भी एलिमिनेट होती हुई, बट फिलहाल यहाँ पे मास्टर्स को वापस स्पॉट करें, यहाँ पे नियो ने नॉक डाउन निकाला G36C, एंड फिनिश यहाँ पे वो किसी भी टाइम पे हो सके, बिकॉज जॉनाथन के पास एक अपर ग्राउंड वो स्नाइपर टावर से एक अच्छा एंगल बना हुआ है, एंड दोनों प्लेयर एमजीजेड के बहुत ज्यादा खतरे में, बिकॉज एक प्लेयर एमजीजेड जो शैडो है उनको ब्लू जोन का डैमेज पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो अंदर है द सूर्या वो उनको भी सिर्फ एक स्टोन का कवर, एंड वो भी अब नहीं रहेगा, बिकॉज जोन आ रहे हैं बाहर से, एंड अपना किल वो वापस से दे बैठे हैं टीएसएम एंटिटी के नियो को, एंड सूर्या एंड उनका पूरा स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होता नजर आएगा। टॉप 6 टीम्स के अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं, सेल्स का स्क्वाड 3 में स्क्वाड यहाँ पे नजर आ रहा है, गॉडल का स्क्वाड दो दो के स्प्लिट में है, टीएसएम एंटिटी की यहाँ पे फाइट होगी सेल्स के प्लेयर्स के साथ, क्लच गॉट एलिमिनेटेड, बट यहाँ पे गिल ऊपर से G36C चलाते हुए नॉक डाउन किया है भले उन्होंने, ओके यहाँ पे किल कंफर्म भी होता हुआ नजर आ सकता है किसी भी टाइम अगर बाहर आए तो, बट नियो वहां पे एक
रिवाइव के लिए बैठे हुए, इंपॉर्टेंट रिवाइव टीएसएम एंटिटी की अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर, बट गॉडलाइक सबसे ऊपर बैठी हुई है टीम एक्सट्रीम, उनके नीचे चार प्लेयर्स, चारों प्लेयर्स इन दोनों टीमों के जिंदा है, बट तीन गर्ल्स यहाँ पे टीम गॉडलाइन लेके जाते हुए जान मारे यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए गॉडेल का, उसके साथ डोमिनेशन आता हुआ, थ्री गर्ल्स डोमिनेशन आता कि नहीं यहाँ पे यूएम का भीष्मा को नॉकडाउन करा विद अ ग्रेनेड। जी हाँ, अब जैसा थोड़ी देर पहले केतन ने बताया जो स्नाइपर टावर्स है वो काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टीम्स और प्लेयर्स के लिए। गॉडलाइक की जो टीम है वो टीम एक्सट्रीम को भी ब्लू जोन में एक्सप्लॉइट कर सकती है। इन द मीनवाइल टीएसएम के नियो जो है यू मुंबा के जो बीच में है उनको नॉकडाउन करेंगे, और टीएसएम इस गेम में अपना दबाव बाकी सारी टीम को बता रही है कि कितना प्रेशर वो पुट ऑन कर सकते हैं। चारों के चारों प्लेयर्स जिंदा है, जे किल्स ऑलरेडी कंफर्म कर चुके। किल्स की बात करें तो इस टाइम पे जैसा आप अपने राइट हैंड साइड पर जो स्टैट्स है उसमें देख सकते हैं, सेल्स ऑलरेडी 10 किल्स अपने लिए कंफर्म कर चुके। एक बहुत प्यारा मोमेंटम इस टीम ने अपने लिए बिल्ड किया। टीम एक्सट्रीम वहां पे सिर्फ तीन प्लेयर्स के साथ है। यू मुंबा के ऊपर बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर अकेले बचे, और सेल्स धीरे धीरे करके टीएसएम के प्लेयर्स के ऊपर मूवमेंट करने की कोशिश करी। ये बहुत ट्रिकी हो सकता है। टीएसएम के प्लेयर्स जो है 2-1-1 के स्प्लिट में बैठे, और दूसरी तरफ सेल्स के तीनों प्लेयर्स ग्रुप डेन है। बिल्कुल, और ऊपर से टीएसएम एंटिटी के जो प्लेयर क्लच गॉड थे वो नॉकडाउन थे पहले, बट अब यहाँ पे चारों प्लेयर्स जिंदा है एंड फोर मैन स्क्वाड यहाँ पे टीएसएम एंटिटी खेलते हुए नजर आएगी। बट क्रॉन्टन बीटीसी जी30 टारगेट करते बाहर, टीम एक्सट्रीम के उत्सर्गा को यहाँ पे पूरा बोस्ट डाउन करा। क्रॉन्टन भी यहाँ पे डोमिनेशन में आते हुए एंड तीन किल इनके भी होते हुए वापस है। टीएसएम एंटिटी अब यहाँ पे अंडर द ब्रिज जो यहाँ पे सेल्स का स्क्वाड बैठा हुआ आतंकी अल्ट्रॉन एंड उनके साथ एक और टीममेट है उनके, डेस्ट्रो भी यहाँ पे आते हुए प्रोन डाउन हो चुके हैं उस वाले ट्रक के पीछे, डमी ट्रक जो रहता है ब्रिज क्रॉस करके। बट अगर हम जोन की बात करें तो यहाँ पे टीएसएम एंटिटी के ऊपर जोन है और टीम नंबर 8 के ऊपर जोन है जो नीचे बैठी हुई है आई थिंक अंडर द ब्रिज, और ऊपर जो है यहाँ पे टीम गॉडेल। आई थिंक ये सबसे बेस्ट जो पार्ट है जोन का जहाँ पे गॉडेल एक्वायर करके बैठे हुए, बट यहाँ पे जेड गॉड ने यहाँ पे यू मुंबा के डेस्ट्रो को भी फिनिश करा बिकॉज जोन के बाहर थे। यू मुंबा कमिंग ऑन #5, बट यहाँ पे टीम एक्सट्रीम भी यहाँ पे फिनिश होते हुए विद दैट #4 टैग, बट अबे एक्जिस्टेंस को सिंगल टैप से लॉक डाउन करते हुए जॉनेथन विद दैट AKM। अब ऊपर रिवाइवल तो चलो ठीक है मिल जाएगा, बट अब जोन यहाँ पे अंडर द ब्रिज बनता हुआ जहाँ पे सेल्स के प्लेयर्स ने पनाह ली हुई है। टीएसएम के प्लेयर्स को या तो ब्रिज के ऊपर जाना पड़ेगा या तो ब्रिज के नीचे। अब यहाँ पे IGL का यहाँ पे डिसीजन आता है कि कहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। यहाँ पे Z को थोड़ा सा डैमेज लेते हुए सेल्स के प्लेयर से अब यहाँ पे टीएसएम को एक कॉल देनी पड़ेगी कि कहाँ यहाँ पे गॉडल को पुश करना है कि नीचे जाना है जोन में। डेफिनेटली एक ना एक फाइट लेनी पड़ेगी इस टीम को अपने टीम को टॉप 2 के अंदर ले जाने के लिए। इन द मीनवाइल अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो गॉडलाइक की तरफ से भी चारों प्लेयर्स जिंदा थे। एग्जिस्टेंस को अभी तक रिवाइव नहीं दिया गया, थोड़ा सा केयरफुल रहने की कोशिश की जा रही है, और अब जाके एग्जिस्टेंस अपने कदमों पे खड़े होंगे, हील अप करके अगली फाइट्स में पार्टिसिपेट करेंगे अपनी टीम के साथ। और जैसा केतन बता रहे थे सेल्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन रहेगी, बट अभी लो ग्राउंड से उनके ऊपर बहुत ज्यादा यूटिलिटी जो है हाई ग्राउंड से उनके ऊपर फेंकी जाने वाली है, वो भी सैंडविच होके, क्योंकि टीएसएम भी मूव करेगी, हो सकता है मूव करे सेल्स के ऊपर। गॉडलाइक के स्मोकी के हाथ में हमने नेट देखा था जो सेल्स की तरफ वो पॉइंट करके बैठे थे। बिल्कुल, बट यहाँ पे तीन टीमें, तीन जो आखिरी टीमें बची हुई है हमारे पास, सेल्स ने इस वाले मैच में बहुत प्यारा डोमिनेशन दिखाया। टीएसएम एंटिटी जोन में बैठी थी, अभी उनके पास यहाँ पे 7 किल्स है एज अ टीम, यहाँ पे गॉडलाइक के पास भी 7 किल्स है। सेल्स यहाँ पे पार जो हमारे किल्स होते हैं उससे ज़्यादा लेके जाते हुए एंड 10 किल्स ओवरऑल अभी फिलहाल। बट यहाँ पे टीएसएम एंटिटी नियो ने यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया है गॉडल के एग्जिस्टेंस को। अब यहाँ पे पुश फॉर श्योर देखने को मिलेगा टीएसएम एंटिटी के द्वारा बिकॉज जोन के अंदर यहाँ पे गॉडल को आना है एंड यहाँ पे 4 किल वहाँ पे वो अपने नाम कर सकते हैं। प्री फायर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्रॉन्टन गॉट नॉकडाउन ओवर देयर। क्रॉन्टन एक नॉकडाउन करा था नॉकडाउन होने से पहले क्लच गॉड को एंड टीएसएम एंटिटी नियो ने यहाँ पे नॉकडाउन करा फिनिश करा कि सेम थे, और सामने यहाँ पे गिल बचे हुए प्री फायर के साथ। यहाँ पे नियो ने पूरा टाटा बाय-बाय करा, गॉडेल हैज बीन एलिमिनेटेड इन #3 पोजीशन 7 किल्स के साथ वहां पे निकाल के जाते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे सेल्स की जो स्क्वाड है वो नीचे, अब उनके पास जोन है अब अपहिल से डाउनहिल आने के लिए। अब टीएसएम एंटिटी को डैमेज लेना पड़ेगा थोड़ा सा, तो फिर लो टॉस ग्रेनेड्स विल बी हैंडी ओवर है। जितने भी ग्रेनेड्स रहेंगे यहाँ पे टीएसएम एंटिटी के पास वो यहाँ पे यूटिलाइज करने पड़ेंगे, और यहाँ पे इन प्लेयर्स के पास गन पावर है, सब कुछ है। अगर आप स्किल्स की बात करो तो यहाँ पे सबसे ऊपर बैठते हैं सेल्स ने जिस हिसाब से यहाँ पे दिखाया, टॉप 2 टीम्स वाले मैच की डिजर्विंग टीम्स। यहाँ पे क्लच गॉड को देखो थोड़ा सा यहाँ पे स्पैम करते हुए इमोट्स एंड उनको पता है थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे बिकॉज जोन जब तक क्लोज इन होता है ही कैन डू एनीथिंग यू वांट, बट फिलहाल यहाँ पे टीपीपी लेके प्लेयर्स को स्पॉट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक क्लच गॉड जो है इमोट्स स्पैम कर रहे हैं, इनके टीममेट दूसरी तरफ से कोशिश करें किसी तरह गेम को जल्दी खत्म करें, और सेल्स के प्लेयर को इनको पता है लो ग्राउंड पे और यूटिलिटी
भाई अब किस तरह से यूज होगी, जो व्हीकल थी उसको फोड़ दिया गया, सेल्स के रॉक्स को फोड़ कर लिया गया था, वो जो व्हीकल ब्लास्ट थी रॉक्स को स्टेप अप करना पड़ा थोड़ा अवॉइड करने के लिए ब्लास्ट रेडी से बाहर आने के लिए, और उसके चक्कर में वो नॉकआउट भी हो गए। बट अल्ट्रॉन है वारी वाइप करने, क्लच गॉड ऑलरेडी डाइव डाउन कर चुके, बट आतंकी उनको नॉकडाउन करेंगे, और अब ये सिचुएशन थोड़ी बार भी बन हो चुके, बट आतंकी को नॉकडाउन किया जाएगा। द ट्रेड कमिंग इन।